केवल 3 दिन में पेट की गर्मी को हमेशा दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो कि हमारे पेट की जलन, पेट में मरोड़, पेट में हो रहे दर्द और पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही कारगर है। बहुत ही अच्छी होम रेमेडी मैं आज आपको बता रही हूँ पित्त दोष को दूर करने के लिए, स्टमक हीट को खत्म करने के लिए, और पेट में आपको दोबारा कभी भी जलन और गर्मी की शिकायत नहीं रहेगी। आज मैं आपको साथ एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सौंफ का, फेनल सीड्स का इस्तेमाल करा है। सौंफ किसी भी व्यंजन के स्वाद को बढ़ाने का तो काम करती ही है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे मस्तिष्क को ठंडक देने का काम करती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और सौंफ का इस्तेमाल गर्मियों में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक माउथ फ्रेशनर की तरह काम करती है और इसमें काफी सारे पोषक तत्व भी होते हैं। सौंफ को पेट के लिए काफी फायदेमंद भी माना जाता है, पेट दर्द कम करने में मददगार होती है। सौंफ को पेट के लिए काफी फायदेमंद इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे अपच, पेट की सूजन को कम करने के साथ साथ पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करती है। इसके अलावा सौंफ के सेवन से हमारा पेट का दर्द भी कम हो जाता है, मोटापा कम करने में मददगार होती है सौंफ। जो लोग सौंफ का सेवन करेंगे उनके शरीर में फाइबर की कभी भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सौंफ फाइबर के गुणों से भरपूर होती है और फाइबर युक्त चीजों को खाने से हमारा वजन कंट्रोल में रहता है। तो इसका अगला फायदा है कि ये मुंह की बदबू को दूर करती है, क्योंकि ये एक माउथ फ्रेशनर की तरह हम खाने के बाद लेना पसंद करते हैं। तो पेट की गर्मी को दूर करने के लिए यहाँ हमने 1.5 से 2 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करा है। और जो सौंफ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पेट को ठंडक देती है, मस्तिष्क को शांत रखती है और हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। और गर्मियों के मौसम में ठंडी चीजों का सेवन करने से पेट की जलन, पेट में हो रही गर्मी और पित्त दोष को शांत करने के लिए इससे अच्छी रेमेडी और कोई हो ही नहीं सकती। और हमने यहाँ पर खलबत्ते में 1 चम्मच सौंफ को लिया है और इसे मैं मोटा मोटा सा थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। थोड़ा सा फोड़ लेंगे, थोड़ा सा हम इसे क्रश कर लेंगे, पाउडर नहीं बनाना है। और ध्यान रखें कि आपको इसे सिर्फ हल्का सा कूट लेना है ताकि ये थोड़ी सी फूट जाए। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी लिया है 1 ग्लास और इसमें हम डालने वाले हैं अपनी कूटी हुई सौंफ को। तो हमने इसमें सौंफ को डाला है और इसे हम हल्की आँच पर थोड़ा सा बॉयल करने वाले हैं ताकि सौंफ के जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं, सौंफ का जितना भी अर्क है, इस पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो अब सौंफ पानी में अच्छे से मिल गई है, तब तक हम इसे बॉईल करने का वेट करते हैं। और मैं आपको अगली चीज के बारे में बताती हूँ जो कि हमारे पित्त दोष को शांत करने वाली है। चलिए देखते हैं कि वो अगली चीज कौन सी है। अगली चीज जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है हमारी मिश्री। मिश्री को हम इंग्लिश में रॉक शुगर के नाम से जानते हैं और ये भी हमारे पेट के लिए ठंडी होती है। इसकी भी तासीर ठंडी होती है और हमारे पेट को, मस्तिष्क को ठंडा रखने का ये काम करती है। और ये चीनी नहीं है, मिश्री है रॉक शुगर, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। वजन को नियंत्रित करती है, पेट को ठंडक देती है, पाचन में सहायक होती है। पाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए मिश्री का उपयोग करना फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि सौंफ और मिश्री को साथ में सेवन करने से हमारा पाचन बेहतर होता है। मिश्री में डाइजेस्टिव गुण होते हैं जिसे खाने के बाद हमारा खाना पचने में मदद मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि सौंफ और मिश्री का सेवन साथ में किया जाए। आपने कई बार रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में देखा होगा कि खाना खाने के बाद, डिनर के बाद अक्सर हमें सौंफ और मिश्री साथ में एक साथ दी जाती है। ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव कर देती हैं और खाने को पचाने में मदद करती हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सौंफ के इस पानी में मिश्री को भी डाला है और इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉयल करने रखने वाले। अब इसमें सौंफ के फ्लेवर के अलावा मिश्री की मिठास भी होने वाली है। आप लोग सौंफ और मिश्री को साथ में भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद 1 चम्मच सौंफ और मिश्री को मिलाकर खा सकते हैं और डिनर के बाद भी आप सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया जो कि काफी ज्यादा कॉमन है। ये दूसरा तरीका है, आप रात को सोने से पहले इस तरीके से सौंफ और मिश्री की इस हर्बल ड्रिंक को अगर पियेंगे तो आपको पित्त दोष की परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। सौंफ और मिश्री को साथ में सेवन करने से एनीमिया में हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से राहत दिलाने में मिश्री काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है।
मिश्री के सेवन से हमारा हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया भी सुधर जाती है। तो सौंफ और मिश्री को हमने यहाँ पे जो मिक्स करके रखा था, पानी में से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है और इस पानी का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा ग्रीनिश येलोइश कलर का ये पानी हो चुका है और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे लेने के तुरंत ही बाद आपको काफी अच्छा फील होगा, ये हमारे खाने को पचाने में और हेल्प करने वाली है और हमारी एनर्जी को भी बढ़ा देगी और पूरी रात आप सुकून से सो पाएंगे। इसे लेने के बाद आपको बहुत अच्छी गहरी नींद भी आने वाली है। तो अब मैं इसे छान रही हूं और ये जो बची हुई सौंफ है, इसे आप किसी भी करी में, इंडियन कोई जब हम करी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तब आप मसाले में से दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रिंक बनके रेडी हो गई है, इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, रात को लेना है खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद और तुरंत आप थोड़ा सा इसे एंजॉय करें। काफी मीठी मीठी सी लगती है क्योंकि इसमें हमने मिश्री डाली है, शक्कर नहीं है तो मिश्री की ठंडक भी मिलेगी और सौंफ के भी हमें इसमें लाभ मिलने वाले हैं। सर्दी जुकाम के लिए भी ये हर्बल टॉनिक काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। मिश्री और सौंफ को साथ में लेने से हमारी याददाश्त भी मजबूत होती है और मानसिक तनाव से भी हमें राहत मिलती है और इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें। गर्मी के मौसम में तो आपको इसे लगातार लेना है, रोज भी ले सकते हैं आप, 10-15 डेज तक आप ट्राई करें, हमारे पित्त दोष जो पेट में गर्मी होती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी।